بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इस आप का उतारा जाना खुदा गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि पैगम्बर सल्ला हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है तो खुदा की इबादत करो यानी उसकी इबादत को शिरक से खालिस करके देखो खालिस इबादत खुदा ही के लिए जेबा है और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना दे तो जिन बातों में इख्तलाफ करते हैं खुदा उनमें उनका फैसला कर देगा बेशक खुदा उस शख्स को जो झूठा ना शुक्रा है हिदायत नहीं देता अगर खुदा किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता इंतखब कर लेता वो पाक है वही तो खुदा यकता और गालिब है आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है और उसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है सब एक वक्त मुकर्र तक चलते रहेंगे देखो वही गालिब और बख्शने वाला है उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया फिर उससे उसका जोड़ा बनाया और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए वही तुमको तुम्हारी माओ के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है उसी की बात शाही है उसके सिवा कोई मबूद नहीं फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो अगर ना शुक्री करोगे तो खुदा तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए ना नाशुक्री पसंद नहीं करता और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करेगा और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बताएगा वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगा है जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता और उसकी तरफ दिल से रुझू करता है फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता है उसे भूल जाता है और खुदा का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करे कह दो कि ए काफिर नेमत अपनी नाशुक्री से थोड़ा सा फायदा उठा ले फिर तो तू दोखियों में होगा अला मुश्रक अच्छा है या वो जो रात के वक्तों में जमीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है क्योंकि तो ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने परवरदिगार से डरो जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और खुदा की जमीन कुशादा है जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा तो कि मुझसे इर्शाद हुआ है कि खुदा की इबादत को खालिश करके उसकी बंदगी करूं और ये भी हुआ है कि मैं सबसे अव्वल मुसलमान अगर मैं अपने का हुक्म न मानू तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला देखो यही सरे नुकसान है के ऊपर तो के साहिबान होंगे और नीचे उसके फर्श होंगे ये वो अजाब है जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है तो ऐ मेरे बंदो मुझसे डरते रहो और जिन्होंने इससे इज्तनाब किया कि बुतों को पूजें और खुदा की तरफ रजू किया उनके लिए बशारत है तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो बात को सुनते और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं यही वो लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका तो क्या तुम ऐसे दो जखी को मुखलसी दे सकोगे लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बाला खाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं यह खुदा का वादा है खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा आसमान से पानी नाजिल करता फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं फिर वो खुश्क हो जाती है तो तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई है फिर उसे चूरा चूरा कर देता है बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है जिस शख्स का सीना खुदा ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है बस उन पर अफसोस है जिनके दिल खुदा की याद से सख्त हो रहे हैं और यही लोग सरीह गुमराही में हैं। खुदा ने नहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं यानी किताब जिसकी आयतें बहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के इस रोंगटे खड़े हो जाते हैं फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर खुदा की याद की तरफ मुतवजे हो जाते हैं यही खुदा की हिदायत है वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं जो शख्स क्यामत के दिन अपने मुंह से बुरे अजाब को रोकता हो क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे उसके मजे चखो जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी तकजीब की थी तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया कि उनको खबर ही न थी फिर वो खुदा ने दुनिया की जिंदगी में रसवाई का मजा चखा दिया और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है काश ये समझ रखते और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत पकड़े ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तलाफ नहीं ताकि वो डर माने खुदा एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक है मिजाज और बदखू और एक आदमी खास एक शख्स का गुलाम है भला दोनों की हालत बराबर है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि ये अक्सर लोग नहीं जानते ऐ तुम भी मर जाओगे और ये भी मर जाएंगे फिर तुम सब क्यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे और झगड़ा फैसल कर दिया जाएगा तो उससे बढ़कर ालिम कौन जो खुदा पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुटलाए क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं और तो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है नेकूकारों का यही बदला है ताुदा उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे खुदा अपने बंदे को काफी नहीं और ये तुमको उन लोगों से जो उसके सिवा हैं यानी खुदा से डराते हैं और जिसको खुदा गुमराह करे उसे कोई कोई हिदायत हिदायत देने वाला नहीं खुदा दे, उसको उसको खुदा दे गुमराह करने वाला नहीं क्या खुदा गालिब और बदला लेने वाला नहीं है अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो कह देंगे कि खुदा ने कहो कि भला देखो तो जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो अगर खुदा मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं या अगर मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं कह दो कि मुझे खुदा ही काफी है भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं कह दो कि ए कौम तुम अपनी जगह अमल किए जाओ मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा किस पर अजाब आता है जो उसे रसुआ करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है ने तुम पर किताब लोगों की हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है और ए पैगम्बर सल्ला तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो खुदा लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्र तक के लिए छोड़ देता है जो लोग फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं क्या उन्होंने खुदा के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों क्योंकि सिफारिश तो सब खुदा ही के इख्तियार में है उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे तनहा खुदा का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकबिज हो जाते हैं और जब उसके सिवा और तो आसमान और जमीन के पैदा करने वाले और पोशीदा और जाहिर के जानने वाले तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो, जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो तो कयामत के रोज बुरे अजाब से मुखलसी पाने के बदले में दे दें और उन पर खुदा की तरफ से वो अमर जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था और क्या अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्मानश के सब मिली है नहीं बल्कि वो आजमाइश है मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते लोग उनमें से पहले थे वो भी यही कहा करते थे तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम भी ना आया उनके आमाल के बबाल पड़ गए और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर उनके अमलों के बबाल अनकरीब पड़ेंगे और वो खुदा को आजिज नहीं कर सकते उनको मालूम नहीं कि खुदा ही जिसके लिए चाहता है रिज को फराह कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं ऐ पैगंबर मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना होना खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है इससे पहले कि तुम पर अजाब आवाक हो अपने परवरदिगार की तरफ रुझू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ फिर तुमको मदद नहीं मिलेगी इससे पहले कि तुम पर नागहा अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस नहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई है पैरवी करो कि वादा उस वक्त कोई मुतनफिस कहने लगे कि हाय हाय उस तफसीर पर अफसोस है जो मैंने खुदा के हक में की और मैं तो हंसी ही करता रहा ये कहने लगे कि अगर खुदा मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता या जब आजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं में हो जाऊं फरमाएगा क्यों नहीं मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई हैं मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया और जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बोला तुम कयामत के दिन देखोगे कि उनके मुंह काले हो रहे होंगे क्या गुरूर करने वालों का ठिकाना दोज में नहीं है, जो है और जो परहेजगार हैं उनकी आदत और कामयाबी के सबब खुदा उनको नजात देगा ना तो उनको कोई सख्ती पहुंचेगी और नमनाक होंगे खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगरा है उनके पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं और जिन्होंने खुदा की आयतों से कुफर किया वही नुकसान उठाने वाले हैं कह दो अ नादानो तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं खुदा की परस्तिश करने लगूं और, ए तुम्हारी तरफ और उन की तरफ जो पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम जिया कारों में हो जाओगे बल्कि खुदा ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में हो उन्होंने खुदा की कदर शनासी जैसी करनी चाहिए थी नहीं की और कयामत के दिन तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहने हाथ में लिपटे होंगे और वो उन लोगों के से पाक और, और जो जमीन में है सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर वो जिसको खुदा चाहे फिर दूसरी दफा फूका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और आमाल की किताब खोलकर रख दी जाएगी और पैगंबर और और गवाह हाजिर किए जाएंगे और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और बे इंसाफी नहीं की जाएगी और जिस शख्स ने जो अमल किया होगा उसको उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और जो कुछ ये करते हैं उसको सबकी खबर है और काफिरों को गिरोह गिरोह बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़कर सुनाते और इस दिन के पेश आने से डराते थे कहेंगे क्यों नहीं लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म तहकीक हो चुका था कहेगा कि दोजक के दरवाजों में दाखिल हो जाओ हमेशा इसमें रहोगे तकबर करने वालों का बुरा ठिकाना है जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह बनाकर बहिष्ठ की तरफ ले जाएंगे यहां तक के जब उसके पास पहुंच जाएंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम तुम बहुत अच्छे रहे अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ वो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको उस जमीन का वारिस बना दिया हम बहिश्त में जिस मकान में चाहे रहे तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है तो फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्वीर कर रहे हैं और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो सारे जहान का मालिक है